अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान कनोरी, नाम एतमाद का अजलान फिंची सामना को शामिल है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा, जिस तरह बर्ड्स के बच्चे वगैरह होते हैं उनकी वेंट बंद हो जाती है, मोशन लग जाते हैं तो वो मर जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस तरीके से ही मरते हैं। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉलोनी में तो ऐसा नहीं हुआ आज तक, माशाल्लाह हम तो केयर बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। कुछ बड़े बर्ड्स होते हैं जो सॉफ्ट फूड ज़्यादा खा जाते हैं तो जिसकी वजह से उन्हें मोशन लग जाते हैं और उनकी वेंट बंद हो जाती है। आज का टॉपिक मेरा यही है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी आ सके। तो चले चलते हैं दोस्तों। ये मेरे पास एक मेल है, ये मैं आपको करीब से करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसको लग गए हैं मोशन, तो इसकी ये वेंट जो है वो बंद हो चुकी है। तो लिहाजा भी मैं आपको यहीं पे करीब से करके दिखाता रहूँगा। तो ये आपने कुछ कपड़े वगैरह हैं ये पहले से काट के रख लें ताकि आपके हाथ में बर्ड्स होगा, एक कैंची और ये चीज़ें इस तरीके से रख लेना ताकि आपको आसानी हो। तो इसको नीम गर्म पानी लेंगे हम। नीम गर्म पानी लेने के बाद इस बर्ड्स का जो ये हिस्सा होता है वेंट वाला, ये देखें ये बहुत हार्ड हो रहा है, बिल्कुल इसकी वेंट जो है ना बंद हो चुकी है। ये देखें, इसको अच्छे से साफ करेंगे हम। ये दूसरा कपड़ा इसकी मदद से लेंगे, तो इसको अच्छे से हम ना वॉश करेंगे ताकि इसकी जो वेंट बंद है, जो हार्ड है ना, वो ख़त्म हो जाए। ये देख रहे हैं, ये अच्छे से इसकी सफाई हो गई। नीम गर्म पानी लेना, ठंडा पानी नहीं लेना, बर्ड्स को ठंड लग जाएगी। तो हमें नीम गर्म पानी लेना है। अब इसको साफ कपड़े से हम वॉश करेंगे। ये अब जो है ये तकरीबन जो है नरम हो चुका है। तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस हम जो है इसका 3-4 दिन तक कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद माशाल्लाह ये हमारा बर्ड्स फौरन अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये दोस्तों अच्छे से ये वॉश हो चुका है, तो ज़्यादा इसको रगड़ना भी नहीं है हमने, कि ऐसा ना हो कि बर्ड्स के जो खून निकल जाए। तो नाजुक सा परिंदा होता है तो इसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो बेचारा थोड़ा सा डल सा हो रहा है, इंशाल्लाह 3-4 दिन में इसकी रिपोर्ट्स जो आएगी तो मैं आपको 3-4 दिन के बाद दोबारा आपको यही जो हमारा वाइट चिक का मेल है ये इंशाल्लाह इसकी दोबारा से आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो माशाल्लाह अपनी जगह पर आ गया, अभी इसको खुराक वगैरह देंगे तो माशाल्लाह ये हेल्थी और एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इनकी केयर करनी है। तो उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।